ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन के विविध पैरामीटर्स को कैसे समझें? देखिए, ब्लड पैरामीटर्स में तीन वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सीबीसी लेवल, उसमें लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिम्फोसाइट काफ़ी लो है, दैट मीन्स कि सीवियरिटी पेशेंट की ज़्यादा हो सकती है, तो वो डॉक्टर जज करेगा, आपको ये जज नहीं करना है। दूसरी पैरामीटर है सीआरपी लेवल। मेरे जो प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से सीबीसी और सीआरपी फर्स्ट वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वीक में डी डाइमर, IL-6 और फेरेटिन, LDH, वो डॉक्टर जज करते हैं किस पेशेंट को कराना है, किसको नहीं कराना है। पर सेकेंड वीक में अगर पेशेंट का ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा हो या उसको फीवर चालू का चालू रहे, तो ये फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करना चाहिए। NRI का बहुत इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रोफिलिक लिम्फोसाइटिक रेशियो। जो न्यूट्रोफिलिक लिम्फोसाइटिक रेशियो अगर बढ़ ज़्यादा रहता है तो सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है, तो ये हमें फ्रीक्वेंटली जिस एज ज़्यादा हो, जिनमें पेशेंट में फीवर 5 सेकेंड वीक में चल रहा हो, उनमें ये चेक करके हम जज कर सकते हैं कि पेशेंट को वो एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है कि नहीं। सीटी स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंस है। सीटी स्कैन में ऐसा है कि कुछ पेशेंट्स दूसरे दिन या तीसरे दिन पे सीटी स्कैन करवाना चाहते होते हैं, मैं उनको मना करता हूँ, स्ट्रिक्टली नो कराता हूँ। उसका रीज़न ये है, आप सीटी स्कैन करेंगे तो आपको रेडिएशन उल्टा बढ़ेगा। सो फर्स्ट वीक में सीटी स्कैन में कहीं भी आपके पैरामीटर्स में सीटी में नहीं आने वाला है। सो आप फर्स्ट वीक में सीटी स्कैन, अनलेस फीवर ज़्यादा आ रहा हो या ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा हो, तब तक आप सीटी स्कैन फर्स्ट वीक में अवॉइड कीजिए। इसे कराने का फ़ायदा सेकेंड वीक में ज़्यादा होता है। तो सेकेंड वीक में अगर पेशेंट को फीवर कंटिन्यूस आ रहा हो, जिन्हें सांस की दिक्कत हो रही हो, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन कम आ रहा हो, उन्हें सीटी स्कैन एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए, और सेकेंड वीक में आप सब पेशेंट का करा सकते हैं। कोविड पॉजिटिव परिवारों में बच्चों का ध्यान कैसे रखें? ये बढ़ते कोविड के केसेस के टाइम पे एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें पेरेंट्स पॉजिटिव हो और किड्स को सिम्टम्स ना हो, तो उस टाइम पे उन्हें पॉजिटिव ही गिनिए। वो मैक्सिमम टाइम असिम्टोमेटिक कैरियर होकर दूसरों को ट्रांसमिट कर देते हैं, तो बिल्कुल भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स के पास मत शिफ्ट कीजिए, अदरवाइज़ वो कैरियर होकर उनको इन्फेक्शन दूसरी फैमिली में स्प्रेड कर सकता है। सेकंड सिनेरियो ऐसा है, अगर वो सिम्टोमेटिक होते हैं बच्चे लोग, तो उन्हें अब टेस्ट करना चाहिए, और टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उस हिसाब से पीडियाट्रिशियन से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तीसरा सिनेरियो ऐसा है जिसमें बच्चे पॉजिटिव हो और पेरेंट्स को सिम्टम्स ना हो या पेरेंट्स नेगेटिव हो, तो उस टाइम पे अगर बच्चे बड़े हो, मोर देन 10 इयर्स के, तो उन्हें आइसोलेट कीजिए, उन्हें एक रूम में रखिए। उन्हें केयर करने के लिए मदद चाहिए होती है तो आप मास्क और हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करके उसको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ऐसा है, जो बच्चे 4 से 10 साल के हो, उस टाइम पे बच्चों को मास्क पहनाइए, अपने साथ रखिए, आप खुद मास्क पहनिए। तीसरा सिनेरियो ऐसा है, जो बच्चे 4 साल से नीचे हो, तो उनको मास्क भले नहीं पहनाइए, पर पेरेंट्स मास्क पहने और अपने हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते रहिए, हैंड वॉश करते रहिए, और उनकी केयर कीजिए, हेल्दी खाना खिलाइए और पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उनकी ट्रीटमेंट कीजिए। RT-PCR में सिटी वैल्यू का क्या महत्व है? क्या कम सिटी वैल्यू केस की गंभीरता दर्शाता है? मुझे लगता है सिटी वैल्यू ने बहुत पैनिक क्रिएट किया है। डेफिनेटली उसकी वैल्यू है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, पर उसे कैसे क्लिनिकली कोलेट किया जाए वो डॉक्टर पे छोड़ दीजिए आप। दूसरी इम्पॉर्टेंट वस्तु ये है कि जिसका सीटी वैल्यू कम रहता है, उसमें वायरस का लोड ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कर सकता है। उसके थ्रोट या नेजल म्यूकोजा में वो लंबे समय तक रहेगा और दूसरे लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। कोरोना में रेमडेसिविर का कब उपयोग होना चाहिए? क्या एंटीबायोटिक्स उपयोगी है? कुछ टाइम पहले कोई प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत यूज़फुल ड्रग है, पर बाद में आगे प्रूव हुआ कि इसकी कोई ड्रग की कोई भी इससे कोई बहुत मेजर रोल नहीं है इस ड्रग का। किसी में भी प्रूवन ट्रीटमेंट अभी तक गाइडलाइंस बन नहीं पाई है, अनफॉर्चुनेटली। जो प्रूवन गाइडलाइंस है वो रेमडेसिविर की है, कि रेमडेसिविर काफ़ी यूज़फुल ड्रग है। पेशेंट जो मॉडरेट टू सीवियर केस है, उनमें ये काम लगता है, माइल्ड केस में इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, फेविरावीर की भी बहुत सारी थियोरीज है, उसमें जो थियोरी सबसे ज़्यादा काम की थी उसमें ये था कि ये फेविरावीर लेने से ट्रांसमिशन रेट या ट्रांसमिशन का टाइम ड्यूरेशन कम हो सकता है। सीवियरिटी में उसका बहुत रोल नहीं अभी तक प्रूवन है। एंटीबायोटिक्स पे बहुत मिसकंसेप्शन है, एंटीबायोटिक्स को हमें सेव करना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। कोरोना एक वायरस है, ना कि बैक्टीरिया है,
सो वायरस पे एंटीवायरल काम करेगी, बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक काम करेगी. सो कोरोना कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है. सो आई पर्सनली बिलीव के कोरोना के टाइम में जो पेशेंट मॉडरेट केस रहते हैं, जिनमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम सेकेंडरी इन्फेक्शन सोच रहे हैं, उसमें एंटीबायोटिक का रोल है. रेमडेसिविर के बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं. रेमडेसिविर की बहुत शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि हर कोई रेमडेसिविर लगवाना चाहता है उसके कोविड के इन्फेक्शन में. सबको ये पैंडेमिक में रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है. जिन पेशेंट्स में ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही हो, मोर देन 7 डेज ऑफ फीवर हो, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज़्यादा हो, सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, उन्हें ही रेमडेसिविर की ज़रूरत है. आपको ज़रूरत नहीं है कि रेमडेसिविर प्रोक्योर करके आपके घर में रखिए. जिन्हें ज़रूरत है उन्हें दीजिए, जिसके वो यूज़फुल हो पाए.